बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। ब्लॉग शुरू करने से पहले आप लोग का सही गुजारिश होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमें देखते हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपकी रिज़्क में बरकत डाले, आपके बहन भाई के साथ आपको सलामत रखें। तो जी, मैं आपको दिखाती हूँ आज गाँव। तो हमारा आप गाँव देखें और आप हमें देख के ज़रूर बताने कि आपको हमारा गांव कैसा लगा, क्योंकि मैं कितने दिनों के बाद घर से निकल रही हूँ। आपको तो पता है कि घर में बैठ बैठ के ना परेशानी होती है, परेशानी भी है और यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने ना यहाँ से खिलारा वगैरह सारा उठा लिया है। तो सालन भी हमारा जिनसे रात वाला पड़ा हुआ था, ये देखिए मैं और अनाया है, हम ये खा लेंगे। तो बर्तन भी मैंने अभी धोने, बहुत ज़्यादा काम है और ना मैंने यहाँ से भी झाड़ू भी मारना है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से काम निपटा लूँ, काम वगैरह ख़त्म करके फिर चलते हैं। तो आपको मैं अपना गांव दिखाती हूँ और फिर इंशाल्लाह आके आपसे मुलाकात करते हैं, क्योंकि ना भी ये देखिए भी घर का काम भी तो ज़रूरी है ना। कल मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि कल ना खाने पकाने का टाइम था, तो ऊपर से फिर शाम हो गई थी, अंधेरा हो जाना था, फिर इसलिए मैंने कहा चलो पहले हम ये काम कर लें, फिर बाद में देखते हैं। ये है जी हमारे गांव का देसी नुस्खा, जहाँ पे हम चाय वगैरह बनाते हैं। यहाँ से पहले लकड़ियाँ लेते हैं, फिर आग जाते हैं, फिर हम खाना बनाते हैं। ये है जी, अभी देखिए मैंने कहा बदल वगैरह सही बने हुए थे, पर ये तो फिर से धूप आ गई है। सूरज को भी पता चल गया कि अब समरीन घर जा रही है और मैं गर्मी शुरू कर चले जी। अभी मैं घर के बहुत ही करीब आ चुकी हूँ, तो यहाँ पर लोगों ने बिछौने वगैरह धो के यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ से भी रास्ता है और यहाँ से भी है। ये देखिए तो माशाल्लाह से हवा चेक करें, बहुत ही खूबसूरत हवा यहाँ पे, ठंडी ठंडी से हवा चल रही है। चलें जी, ये देखें, ये भी एक मकान है, तो उनकी दरवाजे नहीं है। ये देखें, ये चेक करें, हमारे इलाके में ना कच्चे गांव के जो सीटें वगैरह और जो सा ग्राउंड वगैरह इसी तरह से होते हैं। ये देखें, ये चेक करें, वहाँ पे ट्राली चेक करें जी, कूड़ा फेंकने वाली। ये देखें, ये भी घर बने हैं, पहले ये पूरी तरह से कच्चे मकान थे, कच्चे घर थे। ये भी अभी कुछ यहाँ पे ना ये बनी है। ये देखें, ये देखिए यहाँ पे कौवा भी हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया है जी। अनाया भी मेरे साथ साथ है, अनाया बजी भी, वो यहाँ से भी अभी हम पहुँचने वाले हैं, फिर पहुँच के मिलते हैं। चलें जी, चले जी, थोड़ा सा सफ़र रह गया, अभी हम पहुंचने वाले। तो यहाँ पे चेक करें जी, एक झोपड़ी बनी हुई है। ये देखें, मैंने कहा रोज़ रोज़ आपको बोरिंग वाली वीडियो बनाती हूँ, आज कुछ इस तरह से बनाऊँगी जिससे मेरे बहन भाई भी खुश हो और मुझे भी खुशी हो। ये चेक करें, तो जी ये चेक करें, ये जब सूखते हैं फिर लोग उनको पहले उतारते हैं, उतार के फिर धूप के ऊपर इनको रख देते हैं, रख के फिर इसका झाड़ू बनाते हैं। झाड़ू फिर इसका माशाल्लाह से इतना साफ बनता है ना, बेहद खूबसूरत घर को ये चमका देता है। ये चेक करें जी, ये देखिए जी माशाल्लाह से ऊपर बादल और नीचे ये घास वगैरह बेहद खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए जी, ये हमारा गाँव है, मैंने कहा चलो आपको साथ साथ दिखाते जाऊँ। ये देखिए, ये अभी मैं और जगह पे आई हूँ, मैंने कहा चलो अपनी बहन भाई से भी इनका ये दिखाते जाएं अपना गांव। ये देखिए माशाल्लाह से, अभी मैं आगे जा रही हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी, मैं आई हूँ बहुत ही दूर। ये देखिए जी, धूप की भी कमी रहती थी, धूप भी आ चुकी है। ये देखें जी, धूप निकल आई है, तभी मैं भी निकल रही थी घर के लिए। तो यहाँ पर लोगों ने बनाया हुआ जी पूरी कचरा फेंकने वाली, ये देखें तो हवा भी बहुत तेज़ है। ये देखें, बस अभी पहुँचने ही वाली हूँ, तो हम जाएंगे घर और घर चल के कुछ देखते हैं।
तो क्योंकि भाई भी घर आ गया होगा इसलिए आ जाओ जी। देखिए जी हवा की वजह से ना दुपट्टा वगैरह तो संभालना पड़ता है, इसलिए फिर मैंने अपनी फेस के भी नहीं बनाई, मैं घर जाके बनाऊंगी। इसे बोलते हैं जी यहाँ से कपड़ा निकालते हैं ना फुटियाँ वगैरह, हमारे में फुटियाँ बोलते हैं, ये वो है। ये देखिए ये चेक करें तो मैंने, मुझे पहले पता नहीं होता था, मुझे पता चल गया ये फुटियाँ इसे बोलते हैं कपड़ा की। ये देखिए जी आगे भी है और आगे भी मैं चल के आपको दिखा। ये देखें जी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ पे थोड़ी सी कम थी तो सही नज़र नहीं आ रही थी, यहाँ पे देखिए ये बहुत ही ज़्यादा है। तो हम अभी बहुत ही दूर आ गए, वो देखें जी मैंने आपको वो दिखाया था कि ईंट बनाने वाली भट्टी इसे बोलते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो चलते चलते हम वीडियो भी बनाते रहें और साथ साथ सेल भी करते रहें। तो ये है जी हमारा गाँव, ये हमारा गाँव है सारा। देखिए कर रहे हैं जी गांव की सैर, ये देखिए मैं भी मेरे साथ है तो इसलिए फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से बनाओ ये थक ना जाए। चलें जी ये देखिए हमारा गांव, तो मैं आई हुई हूँ गांव में बहुत ही ज़्यादा दूर। ये देखिए तो ये देखिए जी यहाँ पे भी सारे घर ही घर है, झोपड़ी वगैरह ये देखिए सारी है। तो मैंने कहा चलो मैं कहते जाते ये भी बनो अपने बहन भैया को दिखाती जाऊँ। ये देखिए जी ये है हमारा गांव और वहाँ पे चाचा भी साइकिल पे आ रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत मंजर है। तो यहाँ पे सारी ईंटें ईंटें हैं, ये देखिए पत्थर है सारे। तो यहाँ पे भी दूर दूर से देखिए जी घास वगैरह भी नज़र आ रही है। ये देखिए जी तो आज मैं आई हुई हूँ कोई और जगह पे, तो आपको वो दूर नज़र आ रहा होगा, इसे बोलते हैं जी भट्टी। भट्टी वो किस चीज़ की होती है, ईंटों की, ईंटों की भट्टी। आज ना यहाँ पे ईंटें वगैरह बनती है, तो मैंने कहा चल 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 चलते चलते आपको ये भी दिखा दें। मैं जा रही हूँ घर, फिर इंशाल्लाह घर जाके भी आपसे मुलाकात करती हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह से खाना वगैरह हमने खा लिया है, तो अभी धोने लगी हूँ जी मैं बर्तन। तो सोच रही हूँ कि पहले मैं सफाई कर लूँ नीचे की, झाड़ू वगैरह लगा लें, तो अभी हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं फिर इंशाल्लाह। चलिए जी अभी मैं घर पहुंचने वाली हूँ, लेकिन मैं दोपहर की निकली हूँ अभी तक पहुंची नहीं हूँ। ये देखिए अभी जाके घर के सूरत हाल भी देखने हैं मैंने। तो यहाँ पे देखिए जी ये लकड़ी वगैरह हमारा वगैरह है, तो यहाँ पे भी ये देखिए। तो घर पहुंच के इंशाल्लाह मैं आपको फिर दिखाऊंगी
कितने दिनों के बाद जा रही हूँ घर, एक दिन पे कितने दिन होते हैं इसलिए ना। चलें खैर अभी पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं। चलिए जी अभी जो हम पहुँचने वाले हैं, तो सड़क पे मैं वीडियो बना रही थी, मैं इसलिए नहीं इधर बोलती क्योंकि आपको पता है चलिए पहुँचने वाले हैं उधर, तो मैंने कहा चलो इधर आपको दिखा दें जैसे हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे मैं इसलिए नहीं बोलती ना, तो वहाँ पे अच्छा भी नहीं लगता है। अभी देखते हैं जब हम पहुँचने वाले हैं, बस आपको दिखाएंगे वहाँ पे जाके, तो इंशाल्लाह। चलें जी माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे से लगे हुए हैं घास, तो बहुत ही प्यारा माहौल है। ये देखिए यहाँ पे भी है, हाँ यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। पीछे हो जाओ आप, इसके अंदर ना चलो, अभी हम जा रहे हैं। तो मैं आपको ये भी बाद में बताऊंगी कि मैं कहाँ आई हूँ, तो आपने हमारी वीडियो के साथ रहना है, हमारी वीडियो को पूरा देखना है और इसी तरह हमें सपोर्ट कर देना लपा का कुछ के तंदुरुस्ती ना कि ना हंसी नहीं रुक रही, क्या हो गया है तो ना। यहाँ पे पानी भी देखें काफ़ी जमा हुआ पड़ा है, ये देखें तो ना। यहाँ पे ना आप नींद वगैरह दिखानी थी, ये भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ पे पानी है और हम आपको ये बाद में बताएंगे कि मैं कहाँ आई हूँ। वैसे तो आपको ये जगह देखी देखी हुई लग रही होगी, ये देखें यहाँ पे जगह माशाल्लाह से आपने पहले से भी ये देखी होगी, बहुत ही प्यारा प्यारा यहाँ पे टोन है, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा अच्छा तो यहाँ पे ईंटें वगैरह रखी हुई है उन्होंने, जो यहाँ पे जगह वगैरह लेते हैं अपने टोन में ना, तो यहाँ पे ना फिर अपनी ये कब्ज़ा जिसे कहते हैं वो पहले यहाँ पे ना दीवारें वगैरह अपनी बनवा लेते हैं पहले से। ये देखिए यहाँ पे किसी और का मकान भी बनना है, तो यहाँ पे भी उन्होंने रोड वगैरह जो उनसे है पत्थर वगैरह तोड़ पीस के पहले यहाँ पर उन्होंने रखे हुए। ये देखिए तो चलें अभी चलते हैं आगे और आपको मैं बताऊँगी कि हम कहाँ आए हैं, तो ये भी एक सरप्राइज़ है, तो ये सरप्राइज़ बता दूंगी अपनी बहन भाइयों को बहुत ही जल्दी कि हम कहाँ आए हैं। तो चले जी अभी चलते हैं फिर आपको मिलते हैं, तो आपको मिलवाऊंगी और जिसके पास मैं आई हूँ और जिसे देखने के लिए आई, तो यहाँ पे ना देखिए जी छोटे छोटे से रखे लगे हुए हैं ऑरेंज, ये देखें इसको पकना है ना। छोटी छोटी मम्मी ये देखिए छोटे छोटे से ना यहाँ पे ऑरेंज वगैरह भी लगे हुए हैं। मुझे दे दो। नहीं ऐसे नहीं बेटा लेते। चले खैर चलते हैं अभी अंदर, तो आपको मिलवाते हैं और बताते भी हैं कि हम कहाँ आए हैं। चलें जी चलते हैं। ये भी जी हम आ चुके हैं बहुत ही दूर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जा रहे हैं मकान देखने के लिए, तो मकान जो है वो उसका किराया ज़्यादा बताया था, हम आए हैं और जगह पे देखने के लिए। तो यहाँ पे ना हमें रेस्ट करने के लिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सीटें वगैरह मिल गई है, ऐसे बनी हुई है जैसे ये हमारे लिए भी है। तो खैर अभी हम बैठे हैं, नाई भी यहाँ पर बैठ गई है बड़ी खुश होकर,
तो प्यारा माहौल है माशाल्लाह से, दिखें तो आगे भी जाएंगे आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे होता है टोन। ये टोन इस तरह के कि यहाँ पे ना लोग जैसे अपनी जगह वगैरह लेके ना रख देते हैं और बनवाते बाद में हैं, तो इसीलिए ना वहाँ पेंटे वगैरह पड़ी हुई है। मैंने कहा चलो वो भी आपको दिखाते हैं चल के, तो दिखाते हैं कि आप यहाँ पे ना लोग कैसे घर वगैरह बनवाते हैं। जब अल्लाह देगा हम अपना भी घर लेंगे इंशाल्लाह, तो मैं भी अपना घर बनवाऊँगी। तो यहाँ पे एक चिड़ी आई थी बड़ी अजीब तरीके की थी, अभी वो पता नहीं कहाँ चली गई है। तो खैर, तो यहाँ पे ना ये देखिए, यहाँ पे बड़े प्यारा सिस्टम है जी। तो बदल देखिए माशाल्लाह से, बदल की लुक चेक करें। तो यहाँ पे ये सड़क वगैरह है, ये देखिए, ये नहीं दिखा, नहीं कहते मम्मा नहीं दिखा। हाँ कवा, कवा यहाँ भी पहुँच गया है जी। कवे को पता चल गया है ना यार, कवे को पता चल गया कि हम आए। चलिए जी अभी देखते थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह कर ले, फिर इंशाल्लाह आपने हमारी वीडियो में ज़रूर देख के बताना है कि हम कहाँ पे गए थे, आपने ज़रूर बताना कि कितनी दूर गए। चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने सफाई करना शुरू कर दी है। तो वैसे गंद तो इतना नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे ना मट्टी होती है, क्योंकि आपको तो पता है कि अनाया गंद नहीं करती, अनाया अच्छी बच्ची है, तो फिर भी ना सफाई करनी चाहिए, इसलिए फिर मैं सफाई करती रहती हूँ और घर को साफ करती हूँ। तो सफाई भी करनी चाहिए, अच्छी बात है, और घर का काम भी हो जाता है, ये भी अच्छी बात है। तो ये इसमें है सारी मिट्टी, ये रात को मेरा भाई इसके लिए लेके आया था चीज़, उसने चीज़ खाई थी, इसमें सिर्फ उसके लिए पड़ूंगी। ये देखिए ये पड़ा हुआ है, सफाई करते फिर अपनी बहन भी के साथ मिलकर करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने घर का काम सारा कर लिया है, तो बर्तन भी ये देखे मैंने अपने धो लिए हैं अच्छे अच्छे से साफ साफ, तो झाड़ू भी मैंने लगा लिया है। ये देखिए जी सारा घर का काम हो गया है मेरा, तो यहाँ से मैंने सहन भी सारा साफ कर लिया है। ये देखिए सहन मेरा, ये देखिए यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा भाई भी आ गया है, अभी स्वयं खाना वगैरह भी खा लिया है, तो अभी मैं जा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ मुझे अपना गाँव। हमारे इलाके में ना कच्चे गांव के जो सेठ वगैरह और जो सा ग्राउंड वगैरह इसी तरह से होते हैं। ये देखें ये चेक करें, वहाँ पे ट्रॉली चेक करें जी, कूड़ा फेंकने वाली। ये देखें ये भी घर बने हैं, पहले ये पूरी तरह से कच्चे मकान थे, कच्चे घर थे, ये भी अभी कुछ यहाँ पे ना ये बनी है। ये देखें ये देखिए यहाँ पे कवा भी हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया है जी। अनाया भी मेरे साथ साथ है, अनाया बजी भी, वो यहाँ से भी हम पहुँचने वाले हैं, फिर पहुँच के यहाँ पे से मिलते हैं मेरे के साथ। अल्लाह बोल बाद अग्निशा बेशक सा शोर पाओ बेटे। अली 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 लालन दसे रगावा दुनिया नू में सुना
लालन दसे रगावा दुनियान में सुनावा शेरे दियान लनिया शेरे दियान लनिया फुला नाल में सजावा लालन दसे रगावा दुनियान में सुना ले जी। अल्हम्दुलिल्लाह से भी हम घर आ चुके हैं तो नया भी बहुत थक गई है। ये देखे नया भी रेस्ट कर रही है। तो क्योंकि हम पैदल गए थे बहुत ही दूर यहाँ से आगे, इनको चलो अपनी बहन भाई को दिखा दें। तो चले जी फिर इसी ब्लॉग का हम यहाँ पे करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखेंगे अपने ख्याल, खुश शबाद रहे, अल्लाह हाफिज़।